नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरा नाम है रौनित, मैं और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम कनेक्शन पर। पहली बात तो मेरे तरफ से मेरे सारे पंजाबी सब्सक्राइबर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी क्रिसमस की। अ वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ माय लवली पंजाबी सब्सक्राइबर्स। मैं आ गया हूँ आप लोगों के सजेशंस के साथ, और आप लोग देख सकते हैं ये स्पेशल कॉस्ट्यूम मैंने पहना। कॉस्ट्यूम रेड है, क्रिसमस है यार, सांता बनने का मन किया तो पहन लिया मैंने टोपी। तो जितना भी बुद्धू क्यों ना लगूँ, आज के लिए मेरा स्पेशल कॉस्ट्यूम है, मैं ये हटा नहीं सकता। आशा करता हूँ आप लोगों को ये फनी लगे। अगर फनी लगता है तो अच्छी बात है, एंटरटेन कर रहे हो आप लोगों को, तो या ये तो मेरा फर्ज बनता है, राइट। एनीवेज गाइस, ये मेरा पहला रिएक्शन है, बहुत ही स्पेशल क्रिसमस रिएक्शन है। मैं दो दिन तक क्रिसमस रिएक्शंस करूंगा, आज और कल, दैट इज 24th एंड 25th ऑफ दिसंबर। सो प्लीज़ वेट कीजिए मेरे स्पेशल क्रिसमस रिएक्शंस के लिए, और हो सके तो शायद मैं कल एक लाइव वीडियो भी करूँ आप लोगों के लिए। तो अगर किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेरी है, कुछ भी है, तो मुझे ज़रूर पूछना मत भूलिएगा। बिफोर आई गेट इनटू द वीडियो, आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। एक्चुअली मैं ये दुख की बात है, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन बताना चाहिए मुझे। मुझे रिसेंटली दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है मेरे चैनल को, वो भी एक पंजाबी वीडियो की वजह से। एंड दैट इज़ द सेकंड सॉन्ग पटाखे बाय सुनंदा शर्मा, जिस पर मैंने रिएक्ट किया था। दोनों ही पिछला गाना, पहला स्ट्राइक जो मिला था वो भी सुनंदा शर्मा का ही गाना था, जानी तेरा ना। और ये मेरा दूसरा रिएक्शन है जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और दोनों ही स्ट्राइक अभी भी वैलिड है। अगर मुझे तीसरा स्ट्राइक मिलता है तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो शायद नहीं, बिल्कुल मैं अब से सुनंदा शर्मा के कोई भी वीडियो पर रिएक्ट नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल यू सुनंदा शर्मा फैंस, बट दिस इज माई डिसीजन। अगर मैंने किया तो फिर मेरा चैनल बंद हो जाएगा, और वो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत संभल के रहना होगा। फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये रिएक्शन लेकर आया हूँ, इसी कारण शायद ये वीडियो अगर ब्लॉक हो जाए दिलजीत दोसांझ का, जो मैं रिएक्ट करने वाला हूँ गाना, तो मैं इसको म्यूट कर दूंगा। तो समझिएगा मेरी बात को, और आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहे और मुझे सपोर्ट करते रहे। ठीक है, विदाउट मच फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू दिस सॉन्ग। आई एम रियली एक्साइटेड। दिलजीत पाजी का बहुत दिन बाद गाना सुनने का मौका मिला है, और इनका ये गाना है, ये है रात दी गेदी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। नीरू बाजवा भी है इसमें, तो यस लेट्स गेट इनटू इट इन 3 2 1 एंड फॉरगॉट अबाउट दिस। तो हाँ, गो। दिलजीत पाजी इन द बात, क्या बात है। वो तो रो रही है, वो तो रो क्यों रही है? तू मेनू कोड़ा भी प्यार नहीं करता। ओ डड्डो डार्लिंग, तेनू की ने कहता मैं तेनू प्यार नहीं करता? ओ आई लव यू सो मच। जे थोड़ा बहुत लव यू हुंदा ना, तो हुन रोंदी नु कॉल बैक के चुप कर होना सी। ऐस वेले अद्धी रात नु क्यों डर लगदा? ना डरता डरता नहीं मैं कहे तू। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹੈਲੋ, ਅਬ ਤੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਹੋ ਰਾਤ ਦੀ ਗਈ ਦੀ ਤਾਂਗ ਛਿੜਿਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਆ ਦਿਲਜੀਤ ਪਾਜੀ ਦਾ ਵੌਇਸ, ਮੈਜੀਕਲ ਵੌਇਸ। ਹੋ ਰਾਤ ਦੀ ਗੇੜੀ ਗੱਲ ਰਸਕ ਦੀ ਤਾਂਗ ਛਿੜੀਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਲੋਲੇ ਅੱਜ ਘੁੰਮੇ ਬੱਲੀਏ, ਹਰ ਚੌਕ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਚੱਲੀਏ, ਐਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਤ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ। ਹੋ ਰਾਤ ਦੀ ਗੇੜੀ ਗੱਲ ਰਸਕ ਦੀ ਤਾਂਗ ਛਿੜੀਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੇੜੀ ਗੱਲ ਰਸਕ ਦੀ ਤਾਂਗ ਛਿੜੀਆ ਤੇਰੇ। The beats are sick. ho tere piche ritte aava raat jaag ke langaava ni tu neend
The moves are awesome. Diljit Paji ko dance karte hue dekhne ka maza hi aata hai. Loving the song. He's so cute. I love Diljit Dosanjh. That was an amazing video. बहुत ही मजेदार video था, बहुत ही short था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा cute video था. Diljit Paji जब भी screen पे आते हैं, उनका एक persona है, उनका जो charm है, वो अलग ही तरीके का होता है. वो आते हैं तो दिल खुश हो जाता है, आपके मुँह पे अपने आप smile आ जाती है. लड़कियाँ blush करती हैं, लड़के खुश हो जाते हैं क्योंकि भाई उनके पाजी है यार. Diljit Paji मतलब दिल के अलग ही जगह पे उनकी जगह है. वो मैं आई रियली रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन. और वो जिस तरह का काम करते हैं, जिस तरह के इंसान है वो, और जिस तरह के गाने वो गाते हैं, जिस तरह की पर्सनैलिटी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब से फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ही इज़ नंबर वन स्टाइल आइकॉन ऑफ इंडिया टू बी फ्रैंक. ही इज़ सो अमेजिंग. उनकी आवाज़ मतलब एक नॉटीनेस है उनकी आवाज़ में. जब भी वो गाते हैं ना, आप झूमने में मजबूर हो जाते हो. और ये गाना वैसे ही था, रोमांटिक था, फनी था, क्यूट था. और उसके यू नो उसका रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप दिखा रहा था नीरू बाजवा के कैरेक्टर के साथ. यू नो हाउ मच अमेजिंग द रिलेशनशिप, कितना मस्ती करते हैं. कभी कभी वो बोर हो जाती है, वो उसको बुला लेते हैं एंड दे स्पेंड टाइम टुगेदर. यू नो पीपल उनके अगेंस्ट है, फिर भी वो लोग एक साथ रहते हैं. सो इट्स अ वेरी क्यूट लव स्टोरी. ओवरऑल मुझे बहुत ही मज़ा आया गाने को देखकर. Diljit Paji के वॉइस सबसे ज़्यादा यूनिक और यूएसपी था इस गाने के बारे में. और वीडियो बहुत क्यूट था, बहुत स्वीट था. और Diljit Dosanjh तो दिल जीत गया यार, दिल जीत गया. बहुत और एक टेरिफिक गाना निकला है. सो यस गाइस, अ टोटल थम्स अप फ्रॉम मी. गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा. इस वीडियो को कमेंट कीजिए आपके सारे सजेशंस. और मुझे बताते रहिए आप कैसे गाने सुनना चाहेंगे, कैसे गाने मुझे रिएक्ट करते हुए देखना चाहेंगे. और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे हेल्प कीजिए 4000 सब्सक्राइबर मार्क पहुँचने के लिए. सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलिएगा. लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ढेर सारा प्यार. तब तक के लिए A very merry Christmas to you guys again in advance. और आपको मैं मिलूंगा अगले दिन इसी वक्त इसी समय इसी जगह. तब तक के लिए ciao.